नीरज सोलंकी जी से और शांत प्रकाश जी से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि इस केस पर कुछ अपने विचार हमारे समक्ष यदि बदल सकें। MRC 2015 लीडर्स अवार्ड फॉर एजुकेशन समारोह में यहाँ उपस्थित केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री एवं चेयरमैन HRD और राज्यसभा के सभ्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे दोस्त, हमारे पार्टी के नेता श्री सत्य प्रकाश जाटव जी, यहाँ उपस्थित मंच पर अन्य महानुभाव, पूरे देश के कोने कोने से आए एवं सभी अवार्ड विनर्स भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो ये मैं 24 MRC को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ज्ञान का सम्मान किया है, आपने शिक्षा का सम्मान किया है। पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, बहुत पहले उन्होंने कहा था। अगर आज का जमाने की बात करें तो ज्ञान का विस्फोट हुआ है, ज्ञान बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, देयर इज एक्सप्लोजन ऑफ द नॉलेज। और जहां तक IT क्षेत्र का सवाल है, IT क्षेत्र की वजह से पूरा वर्ल्ड, द वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। आज देश, दुनिया के कोई भी कोने में आज कोई भी घटना हो रही है, हम उनका साक्षी होते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो ज्ञान की वजह से हुआ है और यहाँ जो सभी को आज अवार्ड मिला है, मैं समझता हूँ कि ये ज्ञान का अवार्ड है। और आप सभी ने अपने अपने क्षेत्र में जो शिक्षा के माध्यम से जो आपने देश का विकास किया है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों को यहाँ अवार्ड मिला है, उन सभी को भी मेरे ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छाओं देता हूँ और इस संस्था के माध्यम से ये जो कार्य